पाली नगर निगम ने अवैध रूप से चल रहे 54 मैरिज गार्डन सहित संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नगर निगम के आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि ये कार्रवाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा कराने के कारण हुई की गई है। इस मौके पर उन्होंने मैरिज गार्डन संचालकों से किसी भी आयोजन के दौरान सुरक्षा मानकों को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। नगर निगम की जो आर्थिक हालत है सभी को पता है, बहुत स्थिति खराब है, बहुत सारे लोगों के बकाए थे, तो हम अपने सारे जो राजस्व के स्रोत हैं उनको हम रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें मैरिज गार्डन भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत है। इसमें मैंने सारा सर्वे कराया पूरे शहर में, तो उसमें 50 के आसपास जो है मैरिज गार्डन को चिन्हित किया गया है और उनमें से लाइसेंसिंग का मालूम कराया, तो लाइसेंसिंग बहुतों के पास में लाइसेंसिंग नहीं है, इसलिए उनको सभी को दस्तावेज मांग करके नोटिस दिए गए हैं। नोटिस देकर के हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, इससे मैं जो लाइसेंस फीस की प्राप्ति होगी, ये भी टैक्स की प्राप्ति होगी और शहर में भी एक अच्छा मैसेज होगा।